बिल्कुल जैसे हमारे 11 साल का हो गई 11 साल का फिर हम कॉम्पिटिशन देखेंगे क्योंकि हमारे ने अपने देश में कितने हमार पैदा कर दिए। ठीक है, ये हमारे है, आपके हमार भाई। ठीक है, अभी कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, सारी अभी आपसे ना क्लास में आप बाहर आ जाइएगा, आपको ये अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, ये आपके मेहमान है। ये कौन है आपके मेहमान? आए हैं आपके पास, आए बड़ी दूर से आए हैं, ये बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर। सबसे पहले आप सब लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, रिस्पेक्ट ऑल आप लोगों ने जो दिया है, तो मैंने खुद ही देखा है, एक्सपीरियंस किया। थैंक यू सो मच फॉर द थिंग्स। क्योंकि मैं अपने हर स्पीच में, हर सेशन में, जब भी मैं किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज की तरफ, तो मैं हर उनकी बात कहता हूँ कि मेरा पाकिस्तान जो है वो देखता है, देखा है, देखा दिया है। बच्चों मैं उनसे मैं बात करूँगा, लेकिन आप मुझे ओके। बच्चों याद रखिए कि 21वीं सदी 21st सेंचुरी, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, वो गुण सीखना चाहते हो कि जो आपको उस मकाम तक पहुंचाती है कि जिस मकाम पर खुदा बंदे से खुद पूछे बताते हुए नजर आते हैं, वो राज क्या है, वो सीक्रेट क्या है, वो गुण क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन सब लोगों को बताऊंगा, उसको प्लीज फॉलो करना, और जिससे आप लोगों को फिर वो गुर में लगा, वो सीक्रेट के बारे में आप वो सीक्रेट जानोगे आप, कि जिससे आप अपने दौर के इंसान बनोगे, मतलब हर एक आदमी आपका नाम लेगा, सभी तो आप लोगों आपको लोग याद रखेंगे, अपने दौर से आने वाले दौर के इंसान बनोगे, कि हजारों सालों तक लोग आपको याद रखें, और अपने दौर के साथ हालत जंग का वो गुर भी सीखना है, हालत जंग का वो गुर सीखना है कि जो आपको आने वाले चैलेंजेस के, आने वाले चैलेंजेस को उससे कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, उसको हम खत्म कैसे करेंगे, वो गुण हमने सीखना है। 21वीं सदी में कामयाबी का राज, सबसे पहले जब इंसान पैदा हो जाता है तो उसका सबसे पहला मदरसा होता है, मदरसा जो होता है उसकी माँ का गोद। तो सबसे पहले अगर इंसान कामयाब होना चाहता है तो एक राज है कि वो अपने अंदर जो बायोलॉजिकली ह्यूमन जो अंदर का है वो सीखे, ह्यूमन के सेंसेस सीखे, बायोलॉजिकल अप्रोच सीखे कि क्या है बायोलॉजिकल अप्रोच, जो हम टेस्ट करते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम फील करते हैं, वो हमारा बायोलॉजिकल अप्रोच है। इसके किरदार क्या है? देखिए, एक बच्चा तब तक नहीं बोलता जब तक उसने कुछ सुना नहीं होता। एक बच्चा पैदा होता है तो वो हर वक्त मम्मी पापा वो नाम सुनता है, तो वो जब बड़ा हो जाता है वो ऑटोमेटिकली वो नाम बोलता है, क्यों? उसे बार बार वो सुना था। और यहाँ दूसरी एग्जांपल दूंगा कि घर में बूढ़ी दादी है और वो मुझे फोन देती है कि बोलती है कि बेटा ये लो ये नाम को डिलीट करो इंग्लिश का लफ्ज़ बोलो, तो कैसे उसने बार बार ये लफ्ज़ सुना है तब क्या करूँगी बोलती है। हम जब तक कुछ सुनते नहीं है हम तब तक बोल नहीं सकते। ये इंसान की मतलब एक बायोलॉजिकली एक फर्स्ट सेंस इंसान का जो हमें सिग्नल्स दे दिया है। इंसान का वो जो वजूद है वो भी कंप्यूटर की तरह काम करता है। कंप्यूटर तो एक और चीज, लेकिन कंप्यूटर को भी जब तक हम सिग्नल नहीं देते वो हमें आउटपुट नहीं देता, हम उसको इनपुट नहीं देते तो वो आउटपुट नहीं देता हमें। हम माउस से बीच पीसी या कंप्यूटर पर क्लिक नहीं करते वो आउटपुट में वो विंडो खोलता नहीं है। इंसानी वजूद भी ऐसा है, हम जो देखते हैं। और यहाँ मैं मिसाल के तौर पर मैं इधर खड़ा हूँ और उधर एक आदमी खड़ा है वो इस तरह करते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि इधर आ, उसने मुझे सिग्नल दिया, एक इशारा दिया और ये मेरी आंखों ने मुझे बताया कि बंदा इस तरह करे। और अगर एक बंदा उधर खड़ा है मैं उसके पास जाता हूँ, उसने कुछ भी नहीं किया, और मैं उसके पास जाता हूँ उसको बोलता हूँ कि जी क्या बात है, कुछ कहना है आपने, तो कहेगा कि बंदा पागल है, मैंने उसको कुछ कहा नहीं है, ये इधर किया है। आप लोगों ने मेहनत करनी है, हार्डवर्क, मेहनत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, हार्डवर्क भी करनी है और स्मार्टवर्क भी करनी है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि डोंट डू हार्डवर्क जस्ट डू स्मार्टवर्क, आप सिर्फ स्मार्टवर्क करें, हार्डवर्क भी करें लेकिन स्मार्टवर्क ज्यादा करें। आप लोगों ने अपने लिए काम आसान बना लें, जो बड़े बड़े काम होते हैं ना आप लोगों ने उसको छोटा बनाया, और जो छोटे फालतू काम होते हैं उसको आपने खत्म करना है। मेक द थिंग्स इजी एंड मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। मार्क ज़करबर्ग वो फेसबुक, उन्होंने फेसबुक के लिंक किया तो उन्हें इस काम में इंटरेस्ट था। यूनिवर्सिटी में टीचर लेक्चर देते थे क्लास में, वो पीछे अपने लैपटॉप पर काम करता था, इसी वजह से वो यूनिवर्सिटी से निकाला गया, लेकिन उसका अपने काम में इतना इंटरेस्ट था कि उसने फेसबुक इन्वेंट किया और उसी यूनिवर्सिटी ने उसकी डिग्री घर तक उसके पहुंचाई।
अपोच सीखे, इंटरेस्ट पैदा करें अपने आप में। जो काम होता है आप अपने इंटरेस्ट को देखें कि आप किस चीज किस मकसद के लिए आप पैदा हुए, किस चीज के लिए आप पैदा हुए, वो इंटरेस्ट पहले अपने देखें। और आपका जो मकसद है वो आपको पता चलेगा कि टैलेंट क्या है आपका, आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हो जो भी हो आपका, वो टैलेंट क्या है आप उसे बाहर निकाले, मैं आपको पॉलिश करें उसे बाहर निकाले। एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ योर नॉलेज, आपको सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहना, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना। हमें चाहिए कि आप लोगों को चाहिए कि आप हर जगह से सीखो, स्कूल में अपने टीचर से भी सीखो, घर में अपने मम्मी पापा से भी सीखो, भाई बहन से भी सीखो, चाचा चाची से भी सीखो, कजिन से भी सीखो, आप सब लोगों से सीखो। आसपास के जो मुआशरा है, हम बाहर घूमते हैं ना गलियों में सुनते, तो उधर उन लोगों को देखें, गरीब लोगों को देखें, एक्सपीरियंस करें वो सब कुछ, हम उनको देखें कि वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अपने जो बाउंड्रीज जो नॉलेज है जो जितना हम गेन कर रहे हैं बाउंड्रीज को और भी बहुत बड़ा करना, कि हम हर जगह से चीजें गेन करें, मतलब नॉलेज हासिल करें। मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं अपने दूसरे दोस्त से भी सीख रहा हूँ वो किस तरह बैठता है, उसका फैमिली कैसा है। देखिए मतलब एक फैमिली को चाहिए कि वो दोस्त बनाए, अपने बच्चों के दोस्त हो लेकिन उनके फैमिली को भी देखे, उसकी फैमिली कैसी है, उसकी फैमिली उसको घर में मारती है, घर में वो वाला सिस्टम तो नहीं है कि अब खाने के तो जैसा कौन के साथ बैठा होता है खाना खा रहा होता है तो टेस्ट खराब होता है और उठता है खाने को उधर फेंकते हो मारते हो अपने बच्चों को, वो सिस्टम तो नहीं है। माँ बाप को भी चाहिए ना, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेवारी है कि वो भी अपने बच्चों को देखे, उनके दोस्त को देखे, उनके आसपास के सिबलिंग्स को देखे, पॉजिटिव फ्रेज बनाए उनके आसपास के जो दोस्त है वो पॉजिटिव हो, ताकि उस पर कोई असर ना लगे, गलत असर ना लगे, वो अपने जो स्टडी है उससे बाहर ना जाए। आपका जो माहौल है अपने एनवायरमेंट को अच्छा बनाने, मजबूत बनाने, कि आप हर जगह से सीखो, मेहनत करो, डिसिप्लिन रहो, टाइम टेबल बनाओ अपने लिए, और टाइम टेबल क्या हो, वो कम्फर्ट हो, कम्फर्टेबल हो, तो मतलब आप उसमें सुकून में हो। अपने लिए एक टाइम टेबल तो बनाओ कि मतलब सुबह से शाम तक आप किस टाइम उठे, किस टाइम खाना खाए, एक्सरसाइज कितनी करनी है, आपको सब कुछ अपने लिए बराबर लिखे, एक टाइम टेबल बनाए और उसको कंफर्टेबल भी बनाए कि मतलब सुकून का हो, खामोशी आप लोगों ने इख्तियार करनी है ज्यादा, और आप लोगों ने डिसिप्लिन भी सीखना है, आदत भी सीखनी है, अखलाकियात भी सीखने है। देखिये तालीम का असल मकसद क्या होता है, तालीम का असल मकसद जो पहला मकसद होता है वो आपको अखलाकियात सिखाता है। हम जाया कर रहे हैं लोगों का, हमारे पास जो भी नियमत अल्लाह ताला कुछ भेजता है, एहसान करता है, कुछ तोहफा देता है, हम उसको जाया करते हैं। हम अच्छा एक माइंड सेट नहीं बना रहे। अब सब लोग सीधे लाइन कतार में खड़े, ये डिसिप्लिन है आप लोगों का। आप नीट क्लीन यूनिफॉर्म पहन कर आते हो, आपके पास टाई शर्ट सब कुछ, वेस्ट कोट पैंट शूज हर एक चीज, बैग सब कुछ, बुक्स आपके पास मौजूद होती है। ये स्कूल का एक डिसिप्लिन है और जिंदगी का भी कुछ डिसिप्लिन होते हैं, जिंदगी के भी कुछ रूल्स हैं। आप लोग मेहनत करें, आप लोग टाइम टेबल हो, अपना टाइम जाया ना करें, टाइम को जाया ना करें, डिसिप्लिन रहें, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप के साथ ऐसे ही बैठे उनकी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में उनसे पूछें कि पहले वक्त में क्या था, पाकिस्तान पहले कैसा था, आपने अब तक कैसे चेंजेस, मतलब किस तरह की चेंजेस आपने फील किया। हम अपने माँ बाप से भी सीखे, उनसे मतलब एक शॉर्ट सी इंटरव्यू ले चले, मजाक मजाक में शॉर्ट सी इंटरव्यू चले कैमरे पर नहीं, ऐसी कि हम उनसे नॉलेज हासिल करें। हम हर जगह से सीखे, स्कूल हो, घर हो, ट्यूशन हो, मदरसा क्यों ना हो, जमात क्यों ना हो, हम हर जगह से सीखे। आप लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल को याद रखिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल आप लोग हो, और आप इस दुनिया में, इस जहान में आप लोग अल्लाह के आखिर कलाम और पैगाम हो। आप लोगों ने इकबाल नेमतुल आले को दोबारा जिंदा करना है। इकबाल नेमतुल आले आप लोगों के बारे में फरमाते हैं कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। फर्द जो आप लोगों के बारे में बात किया, आपके पास हर एक कौम की तकदीर, जो जिस कौम में आप हो उसकी तकदीर आप लोगों के हाथों में। इकबाल ने कहा था ना कि आने वाले दौर, तो आने वाले 21st सेंचुरी मेरी मुट्ठी में बंद है।